हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, वो भी कुकर में, बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट में, बिना खोए का गाजर का हलवा, बहुत ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। सबसे पहले हम एक कुकर में 2 चम्मच देसी घी गरम करेंगे और 1 चम्मच जीरा से तड़का देंगे। गाजर को हमने लंबे लंबे चॉप करके ले लिया है। गाजर को ना हमें ग्रेट करना है ना हमें कुछ करना है, बस इसे लंबे लंबे और पतले पतले टुकड़ों में कट कर लेना है और कुकर में हमें धीरे धीरे डालना है। ऐसे गाजर का हलवा आपने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। और इसे कंटिन्यू हमें 2 से 3 मिनट स्टर करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें चलाते रहना है। उसके बाद कुकर को हमें बंद कर देना है, बिल्कुल गैस को लो फ्लेम करेंगे और 1 सीटी आने का वेट करेंगे। एक सीटी आ गई, गैस को करेंगे ऑफ और इसे नेचुरली ठंडा होने देंगे। जब नेचुरली इसका सीटी निकल जाएगा तो हम इसे ओपन करेंगे और एक कलछी की मदद से, चाहे मैसर की हेल्प से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे हम मैश करेंगे। गैस को करेंगे ऑफ और इन्हें बहुत अच्छे से मैश करेंगे। गैस हमारा अभी ऑन नहीं रहेगा, इसे पहले अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरीके से आपने गाजर का हलवा बनाते हुए कभी नहीं देखा होगा, आप इस तरीके से ट्राई करें। बहुत कम समय में, लगभग 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब हम दूध लेंगे, दूध हमारा मलाई के साथ रहना चाहिए, इसमें हम 250 ग्राम दूध लेंगे। और कुकर में हम ऐड करेंगे, और गैस पे रख के इन्हें हमें पकाते रहना है। चूँकि ठंड का मौसम है तो स्टीम की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है, और ठंड के मौसम में ही तो गाजर का हलवा खाने का मज़ा होता है। अब हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और इसे बहुत अच्छे से हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे करते हुए चलाना है। अभी एक कलछी रखेंगे, साइड में हमारा गाजर का हलवा भी पक रहा है। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे, या नॉर्मल कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, और थोड़ा सा कैस्यू नट लेंगे, ये थोड़ा सा ऑलमंड है चॉप किया हुआ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। थोड़ा सा काजू ऐड करेंगे और पहले इन्हें हमें कर लेना है अच्छे से फ्राई। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो लास्ट टाइम हमें किशमिश ऐड करके गैस को ऑफ करना है। दोनों हमारा पक रहा है, अभी जब फ्राई हो चुका है तो हम किशमिश ऐड करेंगे। याद रखिए, किशमिश को लास्ट में ऐड कर लें, वरना किशमिश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। अभी ये फ्राई हो चुका है, गैस को कर देंगे हम ऑफ और गाजर के हलवे को इस पे रख के हम धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप गाजर का हलवा सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिए, यकीनन बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से हलवा तैयार ना हो जाए। इसमें हम 100 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, लगभग 1/4 कप से 3/4 कप, आपको जितना मीठा पसंद हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं, मीठा हल्का मीठा जैसा चाहे आप बना सकते हैं। अब इसे पकाना है। गाजर का हलवा हमारा लगभग रेडी हो चुका है। मुझे गाजर का हलवा पकाने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगे हैं। गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसे हम सर्विंग बाउल में हम सर्व करेंगे। इस तरीके से गाजर का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा। अगर आपको मेरी इसी तरीके की रेसिपी और देखनी है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।
और वीडियो को एक शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव भी इस तरीके से हलवा बना के बहुत कम टाइम में एंजॉय कर सके। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।